stop that! God! Be stop! God! Stop that! Jai Shriman! Shriman, welcome to our palace show! 75th Republic Day celebration! Anumati Tata Shriman! Jai Shriman! God! Visad! Jan! God! Satap! God! Visad! सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज देश की गली गली में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज हम यह एकत्रित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी इस कार्यक्रम में भाग ले रही हूँ। यह गणतंत्र दिवस की कुछ आवश्यकता हमें यह बनता है चाहते हैं कि 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया है। हमारा यह संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित वाला है। कई नेताओं के योगदान और श्रम कौशलता से हमारा संविधान निर्माण किया गया है, जिससे हमारे नेताओं देश का पालन कर रहे हैं। इसमें हर नागरिक को कई अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी दिए गए हैं। इन्हें हम पालन कर अच्छे नागरिक बनना चाहिए। की प्रार्थना से आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना बोलने के लिए मैं मेरी मित्र हरिणी और यशस्वी को आमंत्रित करती हूँ। प्रार्थना का बोलना जरूरत में है। मेरे नाम पवित्र ग्रंथ किया जाए, मेरे कान आए, मेरा इच्छा जैसे स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आए हमें दे और अपने अपने हृदयों को समाज करती और परीक्षाओं में ना दर परंतु बुराई से अच्छा। प्रभु तेरे साथ है और धन्य तू प्रियों में और धान्य में लेकर काफल येसु एसंतु मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। दर्शन होता है, फिर अब भारत के प्रमुख धर्म के ग्रंथों का पवित्र वचन पठन के लिए मैं हमारे साथियों को स्वागत करती हूँ। करना वह जीवन को कुछ ज्योति प्राप्त करेगा। सभी को शुभोदय। मेरे नाम सुदीक्षा। यह वाक्य पवित्र ग्रंथ भगवद गीता से लिए गए हैं। जो महापुरुष मन की इच्छा उनको त्याग होता है और अपने आप में प्रसन्न रहता है उसका निश्चल बुद्धि कहते हैं। धन्यवाद। शुभोदय। मेरे नाम अश्विता। इस वाक्य पवित्र ग्रंथ कुरान से लिए गए हैं। ताकत के जरिए है, खराबी को सुधारने वाला, अपने आदेश को बाल पूर्वक लागू करने वाला बड़ा जबरदस्त है। धन्यवाद।
इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज को वंदन करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए मैं हमारे मुख्य अतिथि फादर दिलीप कुमार होली स्पिरिट कांग्रीगेशन को झंडा फहराने के लिए आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ और साथ ही प्रतिज्ञा बोलने के लिए उषाश्री को स्वागत करती हूँ।
हुए गणतंत्र दिवस वह दिन है जब भारत गणराज्य आयोजन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निवास में हमारे मुख्य अतिथि दिलीप कुमार सागर को